दुनिया तक पर टॉप 5 में देखिए। दुनिया भर में कोरोना वायरस संक्रमण के अब तक 2,18,24,000 से ज़्यादा मामले सामने आ चुके हैं। इनमें 1,45,58,300 से ज़्यादा मरीज ठीक हो चुके हैं, जबकि 7,73,000 और 20 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं कोरोना वायरस की वजह से 19 सितंबर को न्यूजीलैंड में होने वाले आम चुनाव को 4 सप्ताह के लिए टाल दिया गया है। वहीं एक तस्वीर साउथ कोरिया की राजधानी सियोल से आई है, जहां कोरोना से बचने के लिए एक आधुनिक बस स्टॉप तैयार किया गया है। अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी से लैस इस बस स्टॉप पर टेम्परेचर मापने से लेकर सैनिटाइजेशन की भी सुविधा है। भारत और नेपाल के बीच सोमवार को राजनयिक वार्ता खत्म हो गई है। काठमांडू में नेपाल के विदेश सचिव शंकर दास बैरागी और भारतीय राजनयिक विनय खोत्रा के बीच वार्ता हुई। दोनों पक्षों ने आर्थिक और विकास सहयोग परियोजनाओं को लेकर दूसरे राउंड की बातचीत पर सहमति जताई है। सुविधाजनक तिथि पर नेपाल में भारत सरकार की ओर से चलाए जा रहे आर्थिक और विकास सहयोग परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की जाएगी। चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने पिछले सप्ताह तिब्बत और बॉर्डर इलाकों का दौरा किया। चीन की आधिकारिक मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक इस दौरे के दौरान विदेश मंत्री वांग यी ने देश के सर्वांगीण विकास के लिए क्षेत्र की सुरक्षा और स्थिरता पर जोर दिया। वांग यी सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चीन के स्टेट काउंसिलर भी हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एक अधिकारी ने शुक्रवार को बताया कि वांग यी ने इस दौरान तिब्बत की कम्युनिस्ट पार्टी के सचिव वू यिंगजी और तिब्बत के क्षेत्रीय सरकार के अध्यक्ष छी जाला और अन्य अधिकारियों से भी मुलाकात की। सऊदी अरब ने इस्लाम के 2 सबसे पवित्र स्थलों के अहम पदों पर 10 महिलाओं को नियुक्त किया है। सऊदी अरब के अधिकारियों का कहना है कि रूढ़ीवादी पेट्रो राज्य महिला रोजगार को बढ़ावा देना चाहता है। धार्मिक संस्थानों में सीनियर पोस्ट पर महिलाओं की नियुक्ति इस्लामिक देश में न के बराबर थी, लेकिन ऐसा अब मुमकिन है और इसके पीछे क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान का व्यापक उदारीकरण अभियान है। मॉरिशस में 7 अगस्त को एनवायरमेंटल इमरजेंसी की स्थिति पैदा हो गई थी। मॉरिशस के एक पोत में तेल का रिसाव होने के बाद मदद की गुजारिश पर भारत ने मदद भेजी। भारत सरकार ने वायुसेना के हेलीकॉप्टर IAF C-17 के जरिए 30 टन टेक्निकल उपकरण और सामग्री भेजी, ताकि तेल रिसाव के संकट से मॉरिशस को निजात दिलाई जा सके। ये उपकरण भारतीय तट रक्षक बल ने मुहैया कराया।